नमस्ते, मैं हूँ वेबजी भाई इंस्टीट्यूट में। आपका स्वागत है। हम दे रहे हैं लर्निंग के साथ अर्निंग का मौका। आपकी जो क्लासेस है इसमें हम आज सीखने वाले हैं फोटोशॉप में कोई भी आर्टवर्क अगर आपका क्रिएटेड है तो उसमें हमें टेक्सचर कैसे डालना है। ओके, तो हमें टेक्सचर डालने के लिए हमारे पास एक बार हमारा एक डिजाइन रेडी है जो हमने फोटोशॉप में यूज कर रहे हैं। ये किसी और की कॉपीराइट डिजाइन है, लेकिन सिर्फ हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि हमें इसे किस तरीके से इसमें टेक्सचर्स जो है विंटेज दिखनी चाहिए डिजाइन, तो हमें टेक्सचर ऐड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो भी आर्टवर्क है उसे फोटोशॉप में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में हम अपने कुछ वेबसाइट से जो फ्री टूल अवेलेबल है उसके लिए आपको क्या करना है, pixels.com एक अच्छा टूल है जहाँ से आप ना कॉपीराइट इमेजेस जो है रॉयल्टी फ्री इमेजेस यूज कर सकते हैं, वीडियोज यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम आज करने वाले हैं टेक्सचर बैकग्राउंड जो है उन्हें हम यूज करने वाले हैं हमारे आर्टवर्क पे कि विंटेज वो कैसे दिखेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये एक आर्टवर्क है, मैं इसकी कॉपी इमेज करता हूँ, फोटोशॉप में आता हूँ और मेरी आर्टवर्क पे टेक्सचर इमेज जो है उसे मैं प्लेस कर देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ फिट टू पेज। तो जब हम फिट टू पेज करेंगे इसे, उसके बाद में हम इसे डिसलेक्ट कर देंगे। ऊपर डिसलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है इसमें। डिसलेक्ट करने के बाद में आपको वही लेयर सेलेक्ट करके रखनी है जो टेक्सचर आपने लिया है, ताकि उसे हम अपना मेन आर्टवर्क जो है उसके ऊपर एज ए टेक्सचर कंबाइन कर ले। तो उसके लिए आप राइट साइड स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ऊपर दोनों लेयर्स के ऊपर टॉप बटन पे नीचे एक ऊपर आ रहा है नॉर्मल लिखा हुआ। तो ये है अभी जो हमारी लेयर हमने यहाँ पे ली है pixels.com से, वो नॉर्मल कंडीशन में। अभी अभी हमें इसका सेक्शन चेंज करना है। सेक्शन जब हम चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि ना टेक्सचर जो है वो हमारे आर्टवर्क के साथ क्लब होके किस तरीके से दिख रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, उसके लिए हमें करना है इसमें अलग अलग सेक्शंस पे जाना है और उसपे सिलेक्शंस करने हैं। ये देखिए आप जहां जहां पे मैं नीचे ड्रॉप डाउन पे जा रहा हूँ तो हमारा जो बैकग्राउंड है उसका टेक्सचर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है कि किस तरीके से हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो आपको जिस भी तरीके से इसे यूज करना है, जो आपकी चॉइस है, टेक्सचर मेरा परफेक्ट है, जैसे मेरे लिए ये वाला टेक्सचर अच्छा लग रहा है मुझे हार्ड लाइट। जब हार्ड लाइट को हमने किया, अब हम थोड़ा सा इसको कंट्रोल प्लस से जूम करके देखेंगे। तो मैंने इसको जूम किया, आप देखिए आपका जो एक्चुअल आर्टवर्क था, मैं ऊपर की जो टेक्सचर लेयर है उसको ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के बाद में एक्चुअल आर्टवर्क ये, और जब ऑन करता हूँ तो इसमें टेक्सचर जो है वो आर्टवर्क पे भी आ गया और बैकग्राउंड पे भी आ गया। अब इस टेक्सचर को ही हमें थोड़ा सा और चेंजेस करके और इम्प्रूव अगर करना चाहते हैं, वैसे हमारा ये आर्टवर्क रेडी है लेकिन अपनी चॉइसेस के हिसाब से चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे हार्ड लाइट जो हमने किया था उसी के जस्ट पास में आ रहा है ओपेसिटी का ऑप्शन। ओपेसिटी के ऑप्शन को हम ड्रॉप डाउन से ओपन करेंगे और हम इसे इसका जो परसेंटेज है उसे कम करेंगे। कम करके हम देख सकते हैं हमें टेक्सचर कैसा चाहिए। तो आप जैसी भी आपकी चॉइस है, जितना भी उसकी ओपेसिटी रखनी है, आप उस टेक्सचर की ओपेसिटी को चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमने एक टेक्सचर डाल के देखा है, इससे हमारा पूरा टेक्सचर बेस्ड हो गया है, विंटेज लुक में हो गया है हमारा आर्टवर्क। अदरवाइज हमारा एक्चुअल जो आर्टवर्क था वो ये प्लेन ग्राफिक था और प्लेन व्हाइट कलर का बैकग्राउंड था। अभी हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एक विंटेज में। ओके, इसी तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टेक्सचर से हैं उनके भी ट्रायल्स करेंगे वो कैसे दिखेंगे। तो मैंने ये वाले टेक्सचर को ऑफ कर दिया है। फिर से मैं ना आ गया हूँ pixels.com पे। हमको डिफरेंट टेक्सचर इसमें से लेंगे। जैसे मैं टेक्सचर लेना चाहता हूँ ये वॉल का, वॉल ब्रिक्स का है, इसको मैंने कॉपी इमेज किया। फिर से फोटोशॉप में आके मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में हम इसे फिट टू फ्रेम कर लेंगे। फिर से ये हमने फिट टू फ्रेम कर लिया इसे, और इसे हम डीसेलेक्ट कर लेंगे। ऊपर डीसेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, या फिर आप कीबोर्ड से एंटर की दबा सकते हैं। तो ये टेक्सचर जो है ये प्लेस हो गया है। अब हमें इसमें हमारे आर्टवर्क के ऊपर इसे प्लेस करना है विंटेज की तरह। तो हम नॉर्मल पे जाएंगे, हम ऑप्शंस देखेंगे। ये देखिए जब मैंने डार्कन पे क्लिक किया है तो ये क्या हो गया, आपकी वॉल के ऊपर टेक्सचर आ गया है कि आपका जो एक्चुअल आर्टवर्क था वो वॉल पे आ गया है। व्हाइट बैकग्राउंड जो है इसका वो बिल्कुल रिमूव हो चुका है, लेकिन हम टेक्सचर को ऑफ करेंगे तो एक्चुअल आपका आर्टवर्क वही है। इट मींस क्या हुआ, जो आपका आर्टवर्क था उस आर्टवर्क का जो बैकग्राउंड है उसे उसने ट्रांसपेरेंट कर दिया। डार्कन ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया तो ट्रांसपेरेंट हो गया। अब आप थोड़ा सा और जूम करके देखेंगे तो आप देखो इसके अंदर अभी हमारा जो आर्टवर्क है उसके अंदर अभी ब्रिक्स की डिजाइन नहीं शो कर रही है, जो आपके ब्रिक्स है बैकग्राउंड में वो नहीं दिख रहा है। आपको उसको नेचुरल लुक देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो ब्रिक्स है इसकी ऑपेसिटी थोड़ी कम कर सकते हैं आप और बढ़ा भी सकते हैं।
आपको क्या करना है, एक न्यू लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी। जब आप एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे तब आप देखेंगे न्यू लेयर पे आपको एक कलर फिल करना पड़ेगा ताकि बैकग्राउंड में वही कलर रहे। अब हमारे आर्टवर्क का मेन कलर क्या था, व्हाइट था, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें व्हाइट कलर फिल कर देंगे। अब व्हाइट कलर आप देख रहे हैं इसमें लेयर टू पे के ऊपर व्हाइट कलर फिल हो गया है। अब हमारा जो मेन आर्टवर्क था उसकी लेयर वन को हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इसकी ऑपेसिटी कम करनी है। तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे आप राइट ऑफ स्क्रीन पे, अब आप इसकी ऑपेसिटी कम करेंगे। तो आप देखो इसकी ऑपेसिटी कम होना स्टार्ट हो गई है, राइट। हम थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे ऑपेसिटी को, तो आप देखो इसमें जो आर्टवर्क था उसमें भी अब ब्रिक्स दिखना स्टार्ट हो गए। तो आप इस तरीके से इसमें चेंजेस कर सकते हैं जो भी आपकी चॉइस है। न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए आपको बॉटम ऑफ आपका जो भी पेज आ रहा है आपका फोटोशॉप का, आप उस पर देखेंगे तो उस पर ना न्यू लेयर का ऑप्शन आ रहा है। ओके, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। आप ये देखिए नीचे जो जितनी भी लेयर्स बनी हुई है उसमें आप बॉटम ऑफ पेज देखोगे राइट स्क्रीन पे तो एक फर्स्ट आ रहा है डिलीट का। आप कोई भी लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे एक्टिव हो जाएगा। उसके जस्ट पास में एक बॉक्स बना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है क्रिएट ए न्यू लेयर। जब कर्सर लेके जाएंगे वहां पे आप नाम आ जाएगा, तो जैसे ही आप इसको सिंगल क्लिक करेंगे देखिए ऊपर लेयर 5 क्रिएट हो गई है। डिलीट करना है तो आपको सिर्फ डिलीट बटन आपके कीबोर्ड से प्रेस करना है और डिलीट हो जाएगी वो। ओके, तो अभी हमने क्या किया, हमारे बैकग्राउंड के ऊपर आर्टवर्क लेके आ गए। कैसे आया है वो, हमारा बैकग्राउंड है उसको सेलेक्ट किया और ऊपर से हमने नॉर्मल की जगह पे उसको डार्केन कर दिया। अब हमको और भी टेस्टिंग करनी है, तो जिसे मल्टीपल पे लिया है तो आपका ग्राफिक देखो डार्क हो गया है बट बैकग्राउंड वैसे ही है। कलर बन पे लेके आया तो उसपे आपका ग्राफिक का कलर बन हुआ है लेकिन बैकग्राउंड का नहीं हुआ है। अब इधर देखेंगे आप लीनियर बर्न पे लेके आए तो आपका बैकग्राउंड आ गया लेकिन आपका ग्राफिक बर्न हो गया। फिर डार्कर कलर पे लेके आए तो आपके ग्राफिक का जो एक्चुअल डार्कर कलर है वो आ गया और बैकग्राउंड भी है। फिर आप लेके आ गए लाइटन पे, लाइटन पे देखो बैकग्राउंड व्हाइट हो गया बट आपका जो ग्राफिक था उसमें ब्रिक्स की है ना डिजाइन आ गई, राइट। तो इस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हो, आपकी चॉइस क्या है, आपको किस तरीके से आपको डिजाइन को कन्वर्ट करना है, विंटेज कैसा बनाना है, उस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। आप देख रहे हैं मैं अलग अलग ऑप्शन पे लेके जा रहा हूँ, अलग अलग ऑप्शन पे इस पे चेंजेस होते जा रहे हैं। अब ब्रिक्स का भी कलर चेंज हो गया, आपके आर्टवर्क का भी चेंज हो गया इसमें, ठीक है। सब में चेंजेस होते जा रहे हैं, हर एक जो ऑप्शन होगा उसके अंदर कोई नया चेंजेस हुआ, सॉरी। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। हम इस टेक्सचर को भी ऑफ कर लेते और कोई टेक्सचर हम लेते उस पर भी हम टेस्ट करके देखते कि दूसरा टेक्सचर लेने पे वो कैसे काम करेगा। हमने क्लोज किया, फिर से मैं एक टेक्सचर पे आ जाता हूँ। ये है आपका ओशन का वेव्स, राइट। इसको मैं टेक्सचर को ले रहा हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद फिर यही लेयर जो है सेलेक्ट रहनी चाहिए नॉर्मल से। फिर हम दूसरे पे आएंगे, डार्कन कर रहे हैं तो देखिए आपका ग्राफिक सामने आ गया और बैकग्राउंड में आपका पूरा ओशन का दिया हुआ है। ऐसे ही आप टेस्टिंग कर सकते हो, आपको जो भी टेक्सचर्स अलग अलग तरीके से डालने। आप देखो इस पे ग्राफिक के ऊपर आपका ओशन का टेक्सचर आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो, आपको जो भी चॉइस है उस तरीके के आप इसके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ग्राफिक के आर्टवर्क जो है आपका उसकी डिजाइन कलर चेंज कर सकते हो। तो सारा वन क्लिक के ऊपर चेंजेस हो रहे हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो। हम एक और इसमें एक और विंटेज टेक्सचर ले लेते हैं, सॉरी। तो टेक्सचर हम देख लेते हैं इसके ऊपर, ये वाला है क्रैक्स का, क्रैक्स का टेक्सचर भी हम लोग ले लेते हैं। कॉपी पेस्ट कर लिया, इसे हमें करना पड़ेगा फिट टू फ्रेम। फिट टू फ्रेम करने के लिए हमेशा आपको कंट्रोल टी बटन यूज करना है, उसके बाद में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बड़ा करना है। वो करने के बाद में एंटर क्लिक करेंगे डीसेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे आप तो शॉर्टकट कीज है, कंट्रोल जीरो प्रेस करने से फिट टू फ्रेम हो जाएगा। नॉर्मल पे गए हम, फिर से इसको चेंजेस करेंगे। देखिए आप है ना इसके बैकग्राउंड में चेंजेस होना स्टार्ट हो गया है। आप जिस भी तरीके के चेंजेस करना चाहते हैं आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो ये देखिए आप आर्टवर्क में कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं, जो भी ऑप्शन आप देखेंगे उस पर चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। हम इसमें कोई पेपर टेक्सचर ले लेते हैं या फैब्रिक टेक्सचर भी ट्राई कर लेते हैं इसमें। ये हमारा फैब्रिक टेक्सचर, तो फैब्रिक टेक्सचर ले रहे हैं हम लोग, ये वाला लेदर, लेदर फिनिश का एक फैब्रिक टेक्सचर है। कॉपी इमेज की मैंने इसको पेस्ट कर दिया, फिट टू पेज करना है हमें इसे ताकि टेक्सचर थोड़ा छोटा दिखे। तो हमने फिट टू पेज कर लिया इसको और इसको डीसेलेक्ट कर लिया। अब हम इसको वापस से जाके हम चेंजेस करेंगे टेक्सचर को, तो ये देखो ये टेक्सचर चेंजेस हो गया है।
आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा है, ऑटोमेटिकली इसका है ना बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब इस टेक्सचर को आपको सेल्फ में करना है कि मुझे ना व्हाइट बैकग्राउंड ही चाहिए, लेकिन मेरे को एक सेल्फ टेक्सचर आना चाहिए बहुत लाइट सा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको नीचे ही सबसे नॉर्मल की जगह पे एक सबसे बॉटम में एक ऑप्शन आएगा, इसका नाम है लुमिनोसिटी। इसको आप जब सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, ऑपेसिटी पे जाना है। ऑपेसिटी पे जाके आप इसकी ऑपेसिटी को कम करेंगे। अब आप देखिए, आप ऑपेसिटी मैंने बिल्कुल कम कर दी है। अब मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, आप बैकग्राउंड पे देखो, व्हाइट जो बैकग्राउंड था हमारा, वहीं पे हमारा टेक्सचर आ गया लेदर टेक्सचर, राइट? आपको विजिबल हो पा रहा है ये टेक्सचर, है ना? आप इस टेक्सचर को ऑफ करेंगे, आप देखो प्लेन व्हाइट सॉलिड बैकग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है? मैं आर्टवर्क को नीचे करता हूँ, प्लेन बैकग्राउंड दिखाता हूँ आपको। वापस से मैंने बैकग्राउंड ऑन किया, आप देखो सिर्फ एक और दो क्लिक में ही आपने ना टेक्सचर चेंज कर दिया उसको। तो आपको ना तो इसका ना सिलेक्शन टूल यूज करके बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड रिमूव करने की जरूरत है, ना ही आपको इसमें कुछ एडिटिंग करने की जरूरत है, इसके कॉर्नर जो है उसको फिनिश करने की जरूरत है। सारी चीज वन या टू क्लिक पे आपको स्मार्टली चेंजेस करने हैं। तो आपका बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज हो गया। आपको इसकी ओपेसिटी बढ़ानी है, आप ओपेसिटी इसकी और डार्क करेंगे, आप देखो ग्रे बैकग्राउंड हो गया है, राइट? तो आपका टेक्सचर दिख रहा है व्हाइट, व्हाइटिश ग्रे, आपका लेदर फिनिश टेक्सचर हो गया आपके आर्टवर्क। ओके तो इसी तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, आपकी चॉइस है आपको किस तरीके का आर्टवर्क चाहिए, किस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए, आप इस तरीके की इस पे टेस्टिंग कर सकते हैं, और आपकी चॉइस से क्विकली कुछ ही सेकंड के अंदर आप चेंजेस करके इसके बैकग्राउंड को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। ये देखिए मैंने इसको अभी फुल कर दिया है, तो आप देखो आर्टवर्क का कलर भी चेंज हो गया है, ब्लैक के ऊपर ऑरेंजिश हो गया है और ऑरेंजिश लेदर टेक्सचर है। तो इस तरीके से हम क्विकली चेंज करके किसी भी आर्टवर्क का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, और उसको विंटेज या फिर किसी भी तरीके के बैकग्राउंड के टेक्सचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके तो ये आपने जो आज क्लासेस ली, स्मार्ट क्लासेस है, हम स्मार्ट क्लासेस इसीलिए दे रहे हैं कि आप शॉर्टकट से बहुत कम टाइम के अंदर कौन से इसके फीचर्स फोटोशॉप के हैं जिसे यूज करके क्विकली आप इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उसको विंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लासेस हमारी यही कंप्लीट होती है। थैंक यू मेहुल।